हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि शहर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। शहर के बैरागढ़ क्षेत्र की यह घटना है। कई किलोमीटर दूर से आग का धुआं देखा जा सकता है, इतना भीषण ये ब्लास्ट था। वहीं ब्लास्ट से आसपास के इलाके में जो लोग थे वो सहम गए हैं। कई घरों की दीवारों में भी दरारें आई हैं। इससे समझा जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भीषण था। हरदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, घायलों को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कई घरों के दीवारों में भी दरारें आई हैं। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? जी आपको बता जाऊं, कपिल थोड़ा नेटवर्क में आकर आप जानकारी दीजिएगा। चलिए कपिल से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कई लोग घायल हुए हैं। पटाखा फैक्ट्री की ये घटना है, हरदा के पटाखा फैक्ट्री जो कि बैरागढ़ क्षेत्र में है, ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सभी को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के जो घर है, घरों के दीवारों तक में दरारें आई हैं, दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है, इतना भीषण ये ब्लास्ट था। पटाखा फैक्ट्री में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री संचालित की जाती है, जिसमें भीषण ब्लास्ट हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कई लोगों के घायल गंभीर बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कोशिश लगातार यही जा रही है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो लोग मौजूद थे, पहले तो उनका रेस्क्यू किया जाए और उसके साथ साथ जो घायल हैं उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कपिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल जानकारी दीजिएगा। जी आपको बता दूंगा, पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्टिंग हो रही है, जिसको लेके आसपास के कई लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। कलेक्टर ऐसी मौजूद मौके पर पहुंच गए हैं, मौके समान है, और अभी हम देख सकते हैं किस प्रकार से धुआं निकल रहा है। पहन कितने मजदूर थे, क्या थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अधिक होने के कारण अभी तक ब्लास्टिंग चल रही है, इसके कारण कोई भी अंदर नहीं। कपिल कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, जिस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, क्या अंदर कुछ और लोगों के फंसे होने की भी आशंका? जी जी घायलों की संख्या अभी अनगिनत है। करीबन यहाँ से 100 से 150 मजदूर यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ 150 मजदूर डेली काम करते हैं, उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं, पूरे अंदर ब्लास्टिंग हुई, भागने का कोई रास्ता नहीं, और उन्हें एम्बुलेंस उनकी मदद से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। वर्तमान में अभी हम पटाखा फैक्ट्री 100 किलोमीटर दूर, जहाँ से हम देख सकते हैं कितने प्रकार से धुआं निकल रहा है और ब्लास्टिंग भी जा रही है। प्रशासन भी खुद ठीक है। कपिल आप लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। देखिए जिस जगह पर वो ब्लास्ट हुआ है, हमारी टीम इस वक्त वहीं पर मौजूद है और वहां नेटवर्क की थोड़ी परेशानी, जिस वजह से स्पष्ट आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। लेकिन जितनी जानकारी सामने आ पा रही है, देखिए जो जानकारी सहयोगी ने दी है कि वहां 100-150 मजदूर एक बार में काम कर रहे होते हैं और उसी पटाखा फैक्ट्री में यह आग लगी है। हालांकि घायलों की संख्या भी सामने नहीं आई है, क्योंकि प्राथमिकता जो है इस वक्त वहां पर जो 100-150 मजदूर उस पटाखा फैक्ट्री में थे, प्राथमिकता के उन्हें तत्काल बाहर निकाला जाए और उसके साथ ही सभी जितने भी घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। तो इस खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हरदा में, जहां पर बैरागढ़ क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की सूचना, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है और जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बैरागढ़ क्षेत्र की घटना है, कई किलोमीटर दूर से आग का धुआं नजर आ रहा था, ब्लास्ट इतना भीषण था। ये तस्वीरें आप देखिए, इस ब्लास्ट से ही आप समझ सकते हैं, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा होगा, कि इतनी दूर से भी ये ब्लास्ट और इसका धुआं शहर में दूर दूर तक देखा जा सकता था। ये भी जानकारी सामने आई है कि इस ब्लास्ट से आसपास के कई घरों की दीवारों में दरार आई है। तो ये सोचिए कि जो मजदूर उस वक्त वहां मौजूद थे, उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनका क्या हाल होगा। बताया जा रहा है कि 100 से 150 मजदूर उस वक्त पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हरदा की ये तस्वीर है, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट इतना भीषण, इतना भयानक था कि दूर तक देखा जा सकता है आग का गुबार। 100-150 मजदूर उस वक्त इस पटाखा फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ है। हालांकि फिलहाल कोई संख्या सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं या कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता के साथ घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरें आप देखिए। कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल इस वक्त क्या अपडेट है? जी पटाखे फूट रहे हैं,
लोग भाग रहे हैं और हाथ अलग हो गए, किसी के पैर में चोट लगी थी। कपिल, एक तरफ हम ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं घायलों की, जो संख्या गोल लगातार देखी जा सकती है, घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा जा रहा है, लेकिन इस वक्त आग की क्या स्थिति है? जो ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में, क्या उस आग पर काबू पाया गया? क्या इस वक्त भी वो आग लगी हुई है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, चलिए, संभवतः उनसे नेटवर्क, इस वक्त हमारा संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क में वो नहीं है, लेकिन तमाम अपडेट जो हैं वो इस खबर पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर से ही इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा होगा, कि कितनी दूर तक, शहर की कितनी दूर की ये तस्वीर है आप देखिए, और इस तस्वीर में, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना भयंकर ये ब्लास्ट था और कितने दूर तक के ये धुआं नजर आ रहा है। 100-150 उस वक्त वहां पर मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। प्राथमिकता के साथ अब सभी घायलों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने ये नहीं आ पा रही है कि क्या स्थिति उस फैक्ट्री की है, क्या फैक्ट्री में जो आग लगी है, जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो आग लगी है, क्या वो बुझ चुकी है, इस पर भी अब तक स्पष्ट जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार इस खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हरदा से ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के हरदा में बैरागढ़ क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने भी यहां पर मदद की, जल्द से जल्द लोगों को, देखिए किस तरह की तस्वीर सामने आई कि ठेले में घायलों को ले जाया जा रहा है, जैसे जिसे जो मिला उसमें लोग, जो मजदूरों को हैं वो अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ उस ब्लास्ट की तस्वीरें तो दूसरी तरफ इसी ब्लास्ट में घायलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीर, ये वीडियो है ब्लास्ट का, और एक ब्लास्ट के बाद लगातार यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पटाखे रखे गए थे, जिसकी वजह से अब जो है पटाखों में एक एक करके ब्लास्ट होता जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद भयावह है तस्वीरें हैं, और ये समझ पाना मुश्किल, ये कह पाना मुश्किल कि जहाँ ये ब्लास्ट हो रहा है वो एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के अंदर जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो 100-150 मजदूर काम कर रहे थे उनका क्या हश्र हुआ होगा, क्या हाल होगा, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद ये हादसा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हरदा की ये तस्वीरें हैं, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, और तस्वीर, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, जो पटाखों के फूटने की आवाज़ है, जो रॉकेट की आवाज़ें आ रही हैं वो भी साफ तौर पर सुनाई इन तस्वीरों में दे रही है। तस्वीर, ये भयानक हादसा वहाँ पर हुआ है जहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात ये, चिंता का विषय वो ये कि 100-150 मजदूर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, कई घायलों को बाहर निकाला जा चुका है, हालांकि कितने अंदर फंसे हुए हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट इतना भयानक था, तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आसपास कई घरों की दीवारों तक में दरारें आ गई हैं, इतना भयंकर ये ब्लास्ट हुआ है। हरदा की ये तस्वीरें हैं, एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद वहाँ पर आग लगी हुई है, और इस वक्त भी ब्लास्ट लगातार समर्थन हो रही है और जिसकी आवाज़ें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। शहर के बैरागढ़ क्षेत्र में ये पटाखा फैक्ट्री संचालित की जाती है, आसपास के कई घरों में भी दरारें आई हैं, ये ब्लास्ट इतना भयंकर था। मध्य प्रदेश के हरदा की ये तस्वीर है, हरदा में इस वक्त
ये हादसा हुआ है। ब्लास्ट में कई घरों की दीवारों में भी दरार आई है। ब्लास्ट की तस्वीर है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये धुएं का गुबार जो है ये फटाका फैक्ट्री से निकलता हुआ धुएं का गुबार है। पटाखे की फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है और एक एक करके कई ब्लास्ट इसके बाद हुए हैं। शहर के बैरागढ़ क्षेत्र में ये घटना घटी है। बैरागढ़ क्षेत्र में ही पटाखा फैक्ट्री संचालित की जाती है। हालांकि कितना नुकसान हुआ ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और तस्वीरों में ही आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज्वालामुखी यहाँ पर फटा हुआ है। लेकिन ये पटाखा फैक्ट्री है जिसमें ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार आसमान में कितनी ऊंचाई तक फैला है और ये दूर से ही देखा जा सकता है। इसके साथ इस वक्त भी वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं ये भी सुना जा सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में इस हादसे की भयावहता को दर्शा रही हैं। एक तरफ ब्लास्ट के बाद किस तरह आग का गुबार उठा है वो आप देखिए, वहीं कई किलोमीटर दूर से जो धुआं है वो देखा जा सकता है। कितनी दूर से ये वीडियो लिया गया है ये आप अंदाजा लगाइए, कितनी ही दूर से इस धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। पूरे शहर से ये देखा जा सकता है कि कैसे पटाखा फैक्ट्री जो है बैरागढ़ क्षेत्र में, हरदा का बैरागढ़ क्षेत्र आपको पता है और बैरागढ़ में ये पटाखा फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद यहाँ पर आग लग गई है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की ये तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए कि कितनी दूर तक ये आग के बाद जो धुआं उठ रहा है वो नजर आ रहा है, तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें ये देखिए कि ब्लास्ट के बाद कैसे आग का पूरा गुबार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। भीषण हादसा, बड़ा ब्लास्ट हरदा की पटाखा फैक्ट्री में और एक एक करके कैसे ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा ये मध्य प्रदेश में आज हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं, हरदा की ये खबर है, बड़ी खबर हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र की घटना है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 100-150 मजदूर उस वक्त यहाँ पर काम कर रहे थे। ये सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आई है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस फैक्ट्री में 100 से 150 मजदूर काम कर रहे थे। कई घायलों को वहाँ से निकाला जा चुका है और इसके साथ ही कई घायलों को इस वक्त भी वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन क्योंकि बारूद होता है, पटाखा फैक्ट्री है, तो एक के बाद एक कई ब्लास्ट हो रहे हैं। और देखिए कई तस्वीरें अब इस हादसे की सामने आई हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ से दूर जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि पटाखा फैक्ट्री की वजह से। देखिए कितनी दूर दूर तक के जो दीवारें, तो अब वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, घायलों को उपचार के लिए तुरंत ले जाया जा रहा है क्योंकि कई लोग इस हादसे में घायल हैं और ब्लास्ट से ही ये समझ सकते हैं आप कि कितना भयानक ये हादसा है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, स्थानीय लोगों की भी मदद वहां पर ली जा रही है और स्थानीय लोग देखिए वो भी काफ़ी सहम गए क्योंकि ब्लास्ट हुआ है वो भी पटाखा फैक्ट्री में, उसकी आवाज़ें इतनी तेज थी। और घर की तस्वीर आप देखिए, ये फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर नहीं है, ये जो फैक्ट्री के आसपास घर हैं उसकी तस्वीरें हैं। कई दीवारें टूट गई हैं, कई घरों की दीवारें जो हैं वो उसमें दरारें आई हैं, क्रैक हुए हैं। इतना भीषण ये ब्लास्ट था कि दूर दूर तक के कई घरों की दीवारें तक टूट गई हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा होगा। आसपास के लोग सहम चुके हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरदा की ये तस्वीर है, पहली तस्वीर आसपास के घरों में जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरें भी आप देखिए। कई घरों की दीवारें टूटी हैं, कई घरों की दीवारों में दरारें आई हैं, लोग सहम गए हैं। दूसरी तस्वीर आप उस फैक्ट्री की देख रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है और इस वक्त भी वहां पर स्थिति कुछ इसी तरह की बनी हुई है। ब्लास्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आसमान में आग का गुबार नजर आ रहा है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जो स्थानीय सहमे हुए स्थानीय है जो उस जगह से दूर जाने के प्रयास में है, टूटे हुए दीवारों की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हरदा के उसी पटाखा फैक्ट्री की तस्वीर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। भीषण ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है और क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है तो इस वक्त तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ पर बारूद था और यही वजह है कि इतना भीषण ये ब्लास्ट था। और इस वक्त वहां पर से घायलों को निश्चित तौर पर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आ रही थी कि 100-150 मजदूर एक वक्त पर उसमें काम करते हैं और जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त भी बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये पूरा हादसा हो गया, ये ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। चलिए प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक अपडेट दीजिएगा, इस वक्त क्या स्थिति है?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पटाखा फैक्ट्री में यहाँ पर आग लगने के बाद चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल है, और ये बात सामने आई है कि पटाखा फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जिसके कारण ये घटना यहाँ पर हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना होने के बाद में जिस तरीके से आग तेजी से बढ़ी है और एक के बाद एक धमाके इसमें हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये बताया जा रहा है कि इसमें विस्फोटक बारूद जो है वो रखा हुआ था, तो स्थानीय प्रशासन जो है उन्होंने आसपास जो नगर पंचायतें और नगर परिषदें हैं वहां पर उपलब्ध जो फायर फाइटर हैं उनको भी बुलाने का यहां पर कॉल जो है वो कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं और जहां पर भी फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं उनको भी यहां पर बुला जाएगा। और जैसे ही इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, धूं धूं कर ये पूरी जो फैक्ट्री है ये जलने लगी, यहां पर धमाके होने लगे और इसके आसपास जो बस्ती बसी हुई है लोग जो है डर के कारण इधर उधर भागते हुए नजर आए। जी प्रतीक बने रहिएगा आप हमारे साथ, इस वक्त कपिल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल सबसे पहले तो आप ये जानकारी दीजिए कि जैसा आपने बताया कि 100-150 मजदूर उस फैक्ट्री के अंदर थे, इस वक्त घायलों की संख्या कितनी है, कितनी क्षति हुई है? मैम आपको बताना चाहूंगा 100-200 में सभी मजदूर घायल है, सबके सब घायल है और इसमें कई मौतें हो चुकी है। जो बाहर जो चुकी जो धमाका 60 लोग थे बाहर, उनको तक दीवार की पत्थर लगने से उनकी मौत भी हो गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि जो घटना जो पटाखा फैक्ट्री के अंदर थे उनकी मौत तो हुई है, लेकिन जो बाजू में जो बस्ती है वहां पर जो लोग मौजूद खड़े थे जिन्होंने धमाका देखा उनके सामने हुआ, तो उनको भी पत्थर लगने से उसकी भी मौत हुई एक व्यक्ति की, जो आंखों देखी बात जो लाइव हमने जो देखा। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है इसमें कलेक्टर एसपी पूर्ण तरह से दोषी है, उन्होंने आज तक एक बार भी कार्रवाई नहीं की, काफी कार्रवाई के नाम पे इन्होंने बोला गया लोगों ने। कपिल इस वक्त प्राथमिकता है कि जो घायल है उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, क्या एम्बुलेंस वगैरह वहां पर पहुंच गई, क्योंकि तस्वीरों में एम्बुलेंस नजर आ रही थी, कितनी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, घायलों को कितना उपचार दिया जा चुका है? चलिए कपिल लगातार आपके नेटवर्क का इशू यहाँ पर जो है वो हो रहा है, हम हालांकि हम समझ सकते हैं कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस बीच आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। प्रतीक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक देखिए एक जो जानकारी सामने आ रही है कि बहुत से लोग यहां पर घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि फैक्ट्री के बाहर जो घर थे वहां पर भी कुछ मौतें हुई हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी है और आग के बाद फैक्ट्री के अंदर रखा जो बारूद है उसमें ब्लास्ट हुआ है, तो उससे फैक्ट्री का जो पूरा मलबा है वो उड़ करके लोगों को वहां पर लगा है और आसपास के जो घर हैं वहां पर भी लोगों को मलबा जो है वो उड़ करके लगा है, तो यह स्वाभाविक से माना जा सकता है कि जिस तरीके से पत्थर जब उड़ करके किसी व्यक्ति को लगता है और खासकर जब उसका एक्सप्लोजन जो है वो बारूद के माध्यम से हुआ हो तो वाकई में वो बहुत प्राण घातक यहाँ पर हो जाता है। और हमने कई मर्तबा ऐसा देखा है कि जब भी इस तरीके के कोई घटनाक्रम हुए हैं तो आसपास कई फीट दूर खड़े रहने वाले लोग भी इसमें बुरी तरीके से हताहत हुए हैं, और चूंकि बारूद जो है वो जब ब्लास्ट होता है तो कई फीट तक उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, और एक रहवासी क्षेत्र में जिस तरीके से अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी तो ये कई तरह के प्रश्न खड़े करता है, और आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपनी जान हथेली पे रख करके इस फैक्ट्री के आसपास रह रहे थे, तो इस तरीके के कई सवाल हैं और कई चीजें जो है वो सामने उठना स्वाभाविक सी बात है, ये लाजमी है। लेकिन इस वक्त सबसे प्राथमिक जो काम है वो यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, जो मजदूर यहाँ पर घायल हुए हैं। प्रतीक किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर पहुंची हैं रेस्क्यू के लिए? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो जिला अस्पताल की और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जैसे ही उनको इस घटना की सूचना मिली थी तो सबसे पहले पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जैसा कि हमेशा होता है हर काम के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे, जो भी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी, वह तत्काल लेकर के भीतर गए, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है आप दर्शक जो है हमारे वो विजुअल से देख सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य यहाँ पर है, तो किस तरीके से व्यक्ति अंदर जाए और जो राहत का कार्य है उसको चलाए, तो पुलिस और यहाँ पर हॉस्पिटल की जो टीम है 108 की जो टीम होती है, डायल 100 की जो टीम होती है, लगातार वो यहाँ पर हताहत हुए लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। एक बात देखिए, जो हमारे पास जो वीडियोज आ रहे हैं, जो शॉर्ट्स आ रहे हैं आप देखिए, उसमें हम लगातार देख पा रहे हैं कि ठेलों में लेके लोग घायलों को लेकर जा रहे हैं, क्या वहां पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है कि लोगों को ठेले में घायलों को लेकर जाना पड़ रहा है?
बिल्कुल, यह दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं यह बड़े दर्दनाक है और यह उस बात की बानगी है कि प्रशासनिक तैयारियां कितनी सटीक और कितनी सही होती हैं और इनमें वास्तविकता कितनी होती है। आप धरातल पर देख सकते हैं कि आज इतना बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हुई है, उसके बाद में लोगों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए का बजट जो है वो इन स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि हरदा जो है वो पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का जिला है, गृह जिला है और काफी कद्दावर मंत्री वो माने जाते थे और उसके बाद में इस तरीके की जो स्थितियां बनी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कई सवाल यहां पर खड़े होंगे। और जैसे ठेलों पर लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है तो यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रतीक, यहां पर लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, कपिल मैं आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि नियम तो ये कहता है कि रहवासी क्षेत्र के आसपास पटाखा फैक्ट्री होने ही नहीं चाहिए। जो ये हादसा हुआ, क्या ऐसे हादसों की जरूरत है हमें इन चीजों के लिए, रियलिटी चेक के लिए? क्या ऐसे ही प्रशासन जो है वो नहीं देख सकता कि इस तरह से अवैध रूप से एक फैक्ट्री संचालित की जा रही थी? क्या कभी कोई शिकायत यहां पर दर्ज नहीं की गई? धमाका हुआ है कि लोगों की, हेलो जी कपिल, हेलो कपिल आप बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ कई बार शिकायत हो चुकी है, कई बार लोगों ने शिकायत की है, कई बार पेपरबाजी हुई है, लेकिन कलेक्टर एसपी सिर्फ नाम की कार्रवाई करने जाते हैं, खाना पूर्ति करके वापस लौट जाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इनकी स्कृति के कारण इतना बड़ा हादसा आज हुआ है। लोगों ने कई बार सूचना दी कि 20 शहर में इनकी एक बंद संचालित हो रही है, लेकिन कलेक्टर एसपी कान में जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर, ठोस कार्रवाई। आज से नहीं, ये 15 सालों से यहाँ लगातार हर साल कोई ना कोई मौत होती है, जनहानि होती है यहाँ पर इन्हीं फैक्ट्रियों में आग लगने के कारण। चलिए कपिल, प्रत्येक आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, आप घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके पहले जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो भी लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को बता रही थी कि लोगों को ठेलो। हालांकि ये भी है कि जब आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप जैसे हो, जिस तरह से जो चीजें मुहैया होती है आप घायलों को सबसे पहले उपचार देने के लिए पहुंचाते हैं। आसपास की बस्तियों के घरों की दीवार टूटी है और जो जानकारी सामने आई है, ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, अस्पताल की ये तस्वीर है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और ना सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बल्कि आसपास जो रहवासी क्षेत्र था, जो बस्ती है, वहां की दीवारें टूट गई हैं घरों की और उसमें भी कुछ मौतें होना बताया जा रहा है। आप ये सोचिए, इस ब्लास्ट की भयावता सोचिए कि ना सिर्फ फैक्ट्री के अंदर लोगों की मौत हुई है बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आसपास की बस्ती में ब्लास्ट की वजह से जो दीवारें टूटी हैं उसमें भी कुछ लोगों की मौत हुई है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, एक दर्दनाक ब्लास्ट, एक दर्दनाक हादसा ये हरदा में हुआ है, कई लोगों की जाने गई है, कई अनगिनत लोग घायल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह की एक अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और प्रशासन के को कानों कान खबर नहीं थी। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमारे तीनों सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है, हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बहुत से लोग झुलसे हैं और अभी अभी ये फिलहाल गिनती नहीं बताई जा सकती क्योंकि 100-150 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। और तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि ये जो ब्लास्ट है ये कितना भयावह था, कितना भयानक था, एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से आप दूर दूर तक देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां पर आग का गुबार है, धुएं का गुबार है। लेकिन इसके साथ ही ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये पटाखा फैक्ट्री के आसपास जो घर है उन घरों के में क्या स्थिति है ये आप देखिए। इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि घरों की दीवारें टूट गई है और बस्ती में भी कुछ लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और ये स्पष्ट है इस ब्लास्ट से, इतना जबरदस्त, इतना भीषण ये ब्लास्ट के कई किलोमीटर से इसका गुबार देखा जा सकता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बस्ती की तस्वीर है जहां पर रहवासी क्षेत्र में इस ब्लास्ट का असर देखा जा रहा है, कई लोग घायल हैं, महिला घायल अवस्था में देखी जा सकती है, कुछ मौतें होना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है जिसे जो मिला उसमें लोगों ने अस्पताल तक घायलों को पहुंचाया है, ठेले के माध्यम से लोग अस्पताल पहुंचाते घायलों को देखे जा सकते हैं। हालांकि बाद में वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है, लेकिन ये हरदा के जो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी व्यवस्थाओं को बता रही है ये तस्वीरें कि लोगों को, घायलों को हाथ ठेले में लेकर जाना पड़ रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द उपचार मिल सके, ताकि जाने बच सके।
दो तस्वीरें, एक तरफ ठेले में ले जाते हुए घायलों की तस्वीर तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस की भी तस्वीर, हालांकि बाद में एम्बुलेंस पहुंच गई, लेकिन जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, जैसे जिन्हें आसपास के जो, चलिए इस वक्त जो आंकड़ा सामने आ रहा है, दो लोगों की मौत की स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरदा से बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही है, तस्वीरें बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। मंत्री प्रद्युमन सिंह को हरदा जाने के निर्देश इस वक्त सरकार ने दिए हैं, तो अब सरकार भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। मंत्री प्रद्युमन सिंह को हरदा जाने के निर्देश इस वक्त सरकार द्वारा दिए गए। फैक्ट्री में ब्लास्ट में कई घायल, दो लोगों की मौत होने की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। वही मंत्री प्रद्युमन सिंह को हरदा जाने के निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार इस खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदा में बैरागढ़ क्षेत्र में ये पटाखा फैक्ट्री, और जो जानकारी सामने आई, जो बड़ी बात इस पूरी घटना में वो ये कि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, क्योंकि नियम यही कहता है कि रहवासी क्षेत्र के आसपास इस तरह की फैक्ट्री, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री काफी संवेदनशील होता है, बारूद होते हैं वहां पर, और यही वजह है कि नियम के तहत, आपको बता दें कि नियम के तहत वहां पर फैक्ट्री संचालित नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर संचालित की जा रही थी। इस वक्त आपको एक और अपडेट दे दें, इस वक्त मोहन कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और इसी कैबिनेट मीटिंग के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। मंत्री को यहां जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को हरदा जाने के निर्देश कैबिनेट मीटिंग के बीच में दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बीच में ही जब यह हादसा हुआ तो यह जानकारी सरकार तक पहुंची और कैबिनेट बैठक के बीच से यह निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बीच निर्देश दिए हैं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को कि वो तत्काल हरदा के लिए रवाना हो। तो हरदा की ये तस्वीरें, हरदा की ये खबर बड़ी खबर है, जहां पर कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन दो लोगों की मौत की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि